ललिता और उमेश मुजफ्फरपुर के पास बसे एक गांव में छोटा सा चाय का खोखा चलाते थे। रोजाना की जो भी कमाई होती थी उसी से ललिता और उमेश अपना और परिवार का गुजर बसर करते थे। परिवार में ललिता की ननद और दो बच्चे थे। ये लो भैया जी आपकी चाय। उमेश भाई जरा एक चाय और मठरी देना। ये लो भैया जी। अरे अरे ये बारिश तो बहुत जोरों की शुरू हो गई, पिछले 3 दिन से नहीं रुक रही। हम तो सोच रहे हैं कि कल सुबह ये गांव छोड़कर शहर चले जाएं। अब ये कोई भरोसा नहीं कि कब क्या मुसीबत आ जाए, समझ रहे। गांव में सब लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। ललिता का मन इन सब बातों को सुनकर घबरा रहा था। उसे बाढ़ में होने वाली समस्याओं की बहुत फिक्र हो रही थी। इसी कारण ललिता को रात में नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के वक्त अचानक गांव वालों ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर ललिता घबरा गई। तभी पड़ोसी श्याम और उसकी पत्नी सामान सिर पर लादकर जा रहे थे। क्या हुआ श्याम भैया, आप सब ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सब गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? ललिता भाभी, नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। चेतावनी मिली है कि हमें इस इलाके को जल्द से जल्द खाली करना होगा। हाँ, ललिता जल्दी से उमेश को उठाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी का पानी गांव में फैल चुका था। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुका था। लोगों के घर उस बाढ़ में डूब रहे थे। कुछ ही देर में सब तबाह हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? हम इस बाढ़ के पानी से कैसे बचेंगे? बंटी, पिंकी, जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? बाढ़ में हमारा पूरा घर डूब गया है। माला, ललिता, तुम दोनों जल्दी जल्दी सामान उठाओ, हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। जिसके हाथ में जो सामान आया उसने उठा लिया। पानी का स्तर लोगों के सीने तक पहुंच गया। चलते चलते उमेश, ललिता दोनों बहुत थक गए। उनकी जान पर बनी हुई थी। उमेश ने बेटे को कंधे पर बिठा रखा था। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन सबको कहीं कोई शौचालय नहीं मिल रहा था। माँ